स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की इस धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्सी वर्सेस बेल्जियम के क्रिकेट मैच के ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन के बारे में। सो दोस्तों आप कौन सा भी फैंटेसी ऐप यूज करते हो, ये जो टीम मैं आपको बना के देने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से खिलाड़ियों के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप भी फैंटेसी टीम क्रिएट करते हो या फैंटेसी टीम क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हो तो। सो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की एंड समझते इस मैच के प्लेयर स्टेट, इंजरी अपडेट, पिच रिपोर्ट, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसे बनाना है, कौन से ऑलराउंडर लेने हैं, प्लेइंग 11 कौन है। सो सब कुछ पूरा डिटेल में इन डेप्थ। सो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो पर्टिकुलर मैच होने वाला है ये जर्सी वर्सेज बेल्जियम के बीच में होने वाला है और ये टूर्नामेंट का ग्रुप बी का पहला मैच है जो आज 28 सितंबर को कटामा ओवल कटाना में खेला जाएगा और ये मैच करीब 3 बजे शुरू हो जाएगा। सो अभी अगर अपन इस मैच का प्रीव्यू यहाँ पे चेक करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जर्सी और बेल्जियम टीम के बीच ईसीआई इटली रोम 2023 टूर्नामेंट के ग्रुप बी का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के पिछले मुकाबले पर नजर डाली जाए तो जर्सी पहली बार इस टीम टूर्नामेंट में T10 फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएगी। जर्सी टीम में चार्ल्स पर्सर्ड, टोबी ब्रिटन, जैक ट्राइब जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। दूसरी ओर बेल्जियम टीम ने अपने पिछले 5 T10 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं। बेल्जियम टीम में सेरी बर्ट, अली राजा, राजा वकास अली जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट में एक अच्छी शुरुआत करना चाहेगी। मौसम रिपोर्ट की बात करते हैं तो आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे परंतु बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब पिच रिपोर्ट की बात करते तो ये जो पिच है ये बेसिकली गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल है। शुरुआत में इस पिच पर तेज गेंदबाजों को बड़ी मदद मिलेगी। पिछले 5 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने 53 में से 31 विकेट ले लिए। अब बात करते हैं पहली पारी के औसत स्कोर की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो पहली पारी का औसत स्कोर है वो 109 रन यहाँ पे नजर आ रहा है और पहली पारी में बल्लेबाजी करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर अपन लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हो दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान है यहाँ पे और लगभग 60% मुकाबले यहाँ पे जो है जीते गए लक्ष्य का पीछा करते हुए। इसका मतलब ये है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। इसके पीछे का रीजन जो है एकदम सिंपल है वो ये कि हाँ जो पीछे का एनालिसिस है वो बेसिकली ये बता रहा है कि जो बाद में बैटिंग करते हैं या जो बाद में खेलते हैं वो बेसिकली 60% चांस रहेंगे उनके जीतने के। सो अल्टीमेटली चांस हाई है लेकिन हो तो कुछ भी सकता है, आप सबको बताए टॉस जीतने के बाद वो अपना चॉइस लेंगे जो उनको सही लगेगा। हमें दोनों साइड का सोच के चलना है, ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पे। अब प्लेइंग 11 मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सो देखिए जर्सी की तरफ से जो प्लेइंग 11 है उसमें जैक ट्राइब, जॉस लॉरेंसन, चार्ली बैनन, जेम्स स्मिथ, जूलियस सुमिरोयर, चार्ल्स पर्सर्ड जो कि कैप्टन है, विल पर्चर्ड, पैट्रिक गॉज, आशा ट्राइब जो कि विकेट कीपर है, टॉबी ब्रिटन, लुई केली, ये जर्सी की टीम थी। अब बेल्जियम की टीम की बात करते हैं तो बेल्जियम की टीम में सैरी बट, अदनान रजाक, राजा वकास अली, सबर जखिल, फैजल खालिक, खालिद अहमदी, अली राजा जो कि कैप्टन है, सगराई सैफत, बुरहान नियाज, ए खालिद, सफीउल्ला जखेल, ये बेल्जियम की टीम थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब ड्रीम टीम टॉप पिक्स की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से 5 खिलाड़ी मैं यहाँ पे ओवरऑल इन दोनों टीमों से आपको बताने वाला हूँ जो कि पूरा का पूरा गेम चेंज करने की काबिलियत अपने अंदर रखते हैं। सो इन 5 खिलाड़ी को ध्यान से देखिए। पहला खिलाड़ी है चार्ल्स पर्सर्ड, जर्सी टीम के कप्तान है और अभी तक अपने T10 करियर में 137 रन बना चुके हैं, 13 विकेट भी लिए और इस मैच में अच्छा योगदान दे सकते हैं।
सेकंड है अली राजा, ये बेल्जियम टीम के कप्तान है और अभी तक अपने T10 करियर में 661 रन बना चुके हैं और इस मैच में भी ड्रीम टीम में अच्छे अंक ये दिला सकते हैं। राजा वकास अली बेल्जियम टीम के प्रमुख गेंदबाज है ये और इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में 12 विकेट लिए थे, इस मैच में भी ये विकेट निकाल सकते हैं और आपको अच्छे पॉइंट भी दिला सकते हैं। फोर्थ प्लेयर है जैक ट्राइब, जर्सी टीम की तरफ से इस मैच के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, अभी तक अपने T10 करियर में ये 346 रन बना चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल प्लेयर की जो कि निकल के आता है जर्सी टीम से और ये जर्सी टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं और अभी तक अपने T10 करियर, T10 मीन्स जो 10 ओवर का जो मैच रहता है बेसिकली, उसमें अभी तक क्या T20 ट्रेंडिंग में चल रहा था, अभी T10 मैच ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पे डिसीजन हो जाते हैं। अभी तक अपने T10 करियर में ये 12 विकेट ले चुके हैं, इस मैच में भी इनके अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अब मैं कप्तान और उपकप्तान के विकल्प आपको बताता हूँ, उसके बाद दो ड्रीम इलेवन या दो फैंटेसी टीम आपके साथ शेयर करूंगा, दोनों में से कौन सी भी टीम आप बना सकते हैं, दोनों टीम भी बना सकते हैं, मल्टीपल टीम भी बना सकते हैं, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जर्सी वर्सेज बेल्जियम, कप्तान आपको देखना है चार्ल्स प्रसर्ड और फैसल खालिक में से किसी एक को, उपकप्तान आपको देखना है राजा वकास अली और अली राजा के बीच में से एक। ड्रीम इलेवन टीम वन की अपन यहाँ पे बात करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, विकेट कीपर के तौर पर आपको अली राजा को लेना है, बल्लेबाज के तौर पे आप जैक ट्राइब, सबर जखेल सैरी बट को ले सकते हो, ऑलराउंडर के तौर पे चार्ल्स प्रसाद, आशा ट्राइब, फैसल खालिक, खालिद अहमदी को ले सकते हो, गेंदबाज के तौर पे आप विल पछड़, सफीउल्ला जखेल, सगराई सेफत को ले सकते हो। अब ड्रीम इलेवन टीम टू की बात करते हैं तो ड्रीम इलेवन टीम टू के तौर पर आप देखिए, यहाँ पे विकेट कीपर अली राजा को आपको लेना है, बल्लेबाज आपको जैक ट्राइब, सबर जखेल, सैरी बट को लेना है, ऑलराउंडर के तौर पे चार्ल्स परसर्ड, आशा ट्राइब, फैसल खालिक, राजा वकास अली, बुरहान नियाज को आपको लेना है और गेंदबाज के तौर पे आप देखिए सफीउल्ला जखेल और टोबी ब्रेटेन को आप ले सकते हैं। अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस मैच के बारे में ध्यान से देखिए, तो विशेषज्ञ का कहना है कि जर्सी टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है और राजा वकास अली को इस मैच में ग्रैंड लीग के कप्तान और उप कप्तान के तौर पे ले लेना चाहिए, ये एक अच्छा विकल्प है। साथ ही अगर अपन मैच जीतने की संभावनाएं की बात करें तो जर्सी टीम के मैच जीतने की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। आयोग की आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही इसी टाइप से हर एक छोटे बड़े फैंटेसी मैच के अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी हमने 500 से ज्यादा वीडियो अपलोड करके रखे तो उनको भी आप जरूर चेकआउट करिए, वो आपकी काफी मदद करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।